अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी बंद और उसके लिए हमने लिया है चिकन 1 कप। इसको बोटी की सूरत में हमने काट लिया है। इसके अंदर हमारे जाएगा ग्रीन चटनी 1/2 कप, गरम मसाला 1 टीस्पून, पपीता पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, मेयोनीज 3 टेबलस्पून। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अंदर जाएगा लेमन, 2 अदद लेमन का जूस डालेंगे, साथ ही इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून इमली का पानी, 1 टीस्पून। और इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ऑमलेट के लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे और उसमें हमने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। इनको अच्छे से फेंट लेते हैं। चिकन को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। मलाई बोटी को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर 8 मिनट तक पका लेंगे। अब इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट तक इसके हम बुनाई करेंगे। बिल्कुल हो चुकी है, बंद करते हैं और साइड पर रख देते हैं। एक पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। इसके ऊपर हम बर्गर को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके ऊपर जाएगी ग्रीन चटनी,
सलाद का पत्ता, मलाई बोटी, ऑमलेट, ऑनियन रिंग, ग्रीन चटनी, केचप, इसके ऊपर दूसरा हिस्सा, इसको हम डिश आउट करते हैं। ग्रीन चटनी, सलाद का पत्ता, मलाई बोटी, उसके ऊपर जाएगा ऑमलेट, केचप, अनियन रिंग, और बनकर दूसरा हिस्सा। लाई पोटी बन बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।